बात समझिए, अभी तो पहले जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, नौकरी या सीबीआई छापा, ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमाम में सब नंगे हैं ना, हो हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। आप जो भाजपा और भाजपा समर्थित लोग हैं वो दूध के धुले हैं, वो महात्मा गांधी हो गए तो सुभाष चंद्र बोस हो गए। आप जो घटना, आप पहले इसको देखिए ना, महंगाई को छुपाने के लिए आप सब कर्म करते हैं। 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया, और अदानी अरहर की दाल से लेकर के एक छोटा सा परचून की दुकान से माफिया बना, फिर वर्ल्ड का सबसे नंबर वन कैसे हो गया। अब भारत का सारा पैसा LIC और CBI के आप उसको दे दिए। आप नोटबंदी पर कुछ नहीं बोलते हैं, आप बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोलते हैं, आप विशेष राज विशेष पैकेज पर नहीं बोलते हैं, आप बिहार के पैसे पर नहीं बोलते हैं, आप नोटबंदी GST पर नहीं बोलते हैं, आप मनरेगा के पैसे पर नहीं बोलते हैं। 24 घंटा इस जात को गाली दो, उस जात को गाली दो, हिंदू मियां करो, मीनिंग था। जो घटना घटित लगातार, राम के नाम पर, राम का क्या मतलब? राम का मतलब प्रेम, त्याग। राम का मतलब मानवता। राम का मतलब डर नहीं ना, नफरत नहीं ना। तो राम को तो इन लोगों ने गायब कर दिया। जो बात आप लगातार कर रहे हैं, जो गलती किया है, कानून उसको दंड दे और देगा। लेकिन 9 साल उसे आप कहाँ सोए हुए थे, कुंभकर्ण की नींद में? लालू यादव कब रेलवे मंत्री बना? और आप 9 साल रहे, 5 साल अटल जी भी रहे, बीच में फिर वो रेल मंत्री आए, तो आप क्या समझौता था आपकी कि महागठबंधन नहीं बने, नीतीश कुमार को ना लिया जाए? और उसके बाद जब महागठबंधन बन गई, मेरा महागठबंधन से कोई लेना देना नहीं, पहले आप इसको समझ लीजिए। हम तो आपके यहाँ एक मर्डर हुआ, दो दो जगह आग लग गई, आग लगा दिया गया, ना तो कोई DM देखने गया, ना MP देखने गया, ना MLA देखने गया। क्या एक बच्चे को, 16 साल के बच्चे को मार दिया एक लड़की के चलते? क्या आप इतना कायर कमजोर मौग हिजरा सबको आप जनप्रतिनिधि बनाइएगा कि घटना घटित होगी बगल में नहीं जाएंगे, लोगों की मदद करने की? इन लोगों को अभी मैं पटना उतरा तो 400 घर जल गया था, मुख्यमंत्री जी के घर के बगल में, डिप्टी CM के घर के बगल में। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी वहाँ दोनों को जाना? 9,000 रुपया में पूरी की पूरी जिंदगी बदल तबाह हो गई, बच्ची की शादी थी, दो दो चार चार पाँच पाँच लाख रुपया जल गए। सवाल उठता है कि जब आप चुनाव के लिए करोड़ों अरबों खर्च करते हैं, ये मुर्दा भगवान के लिए जो नहीं है उस भगवान के लिए आप लाठी भाला तलवार सब भांजते हैं, करोड़ों रुपया भगवान अल्लाह ईश्वर सब पर खर्च करते हैं, नफरत पैदा करने के लिए करोड़ों खर्च करते हैं, तो इंसानियत को बचाने में पेट में दर्द क्यों होती है? तब इन लोगों के बाप के जेब में पैसा नहीं होता है? आम आदमी को बचाने में इन लोगों को दर्द क्यों होता है? इन लोगों के पास वो पॉलिसी क्यों नहीं है? आज हम साथ में डेथ कर गए थे, हमारे शर्मा जी, सैनी साहब, नूर बाबू, फिर आग लग गई, फिर भलवा में एक बच्चे को मार दिया। तो लगातार जो घटना घटित है, हम उतरे और सीधा सहरसा आ गए पटना आग लगी के बाद। हमको लौटना फिर पटना, क्योंकि 2 मर्डर मधेपुरा में हो गया है, तो सुबह हम 7 बजे मर्डर करते हुए पटना लौट। सवाल, आप पॉलिटिकल वेंडेटा मत बनाइए, किसी को इशू मत बनाइए, और ये बिहार है अमित शाह जी, लटकाइए नहीं, लटक जाइएगा। ये औकात मत दिखाइए आम आदमी, हमेशा नफरत की भाषा पैदा मत करिएगा। हम गए थे दोनों तीनों जगह,
बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बाप का राम है क्या? हम तो थे पैदल सभी जगह, पूर्णिया में थे, कटिहार में थे, हम तो 8-8 किलोमीटर चले। राम के कैरेक्टर से पप्पू जीता है ना हो। हम लोग के बाप को लाल झंडा था, लाल झंडा गायब करके केसरिया ले आए, राम को हटा दिए, सीता हट गया, लक्ष्मण हट गया, भरत हट गया, शत्रुघ्न हट गया, जामवंत हट गया, हनुमान को ले आए, और हनुमान को भी मोच दाढ़ी बना के ले आए। ये मोच दाढ़ी कहिया हुआ हनुमान को भाई? ये कौन बनाया? ये प्रायोजित नहीं है, बाय प्रोडक्ट नहीं है। और एक ही कलर का झंडा कहाँ से आया? कब आप देखे थे रामनवमी में हम लोग के बाप दादे को लाठी भाला लेके निकलते? मेला का क्या मतलब? डर। बात गरीबी पर करिए, बात बेरोजगारी पर करिए, बात एजुकेशन पे करिए, बात बिहार के और बिहारियों के बदलने पर करिए, बाढ़ पर करिए, कैंसर, टीबी, दमा, हैजा पर करिए। कोसी आते हैं, सीमांचल आते हैं तो मखान और माछ और मक्का पर करिए। सबसे ज़्यादा पलायन कोसी करता है उस पर करिए, इस पर कोई बात ही नहीं करता है। जो आएगा उस जात को करिए, जो आएगा उस हिंदू मियाँ करो, उसको काटो, उसको मारो, ये सही नहीं है। बिहार और बिहारी की बात करना होगा, और जो भी चाहे कोई भी आदमी अपने पद का दुरुपयोग किए होंगे, कानून उसको चनरचूर रहते नहीं छोड़ेगा। कानून को काम करने दीजिए। ईडी सीबीआई को आप एक एजेंसी को आप आरएसएस का एजेंसी मत बनाइए। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, टोटल ईडी सीबीआई लगा दिया, तब वो ये जीतेगा ना? ये कर्नाटक वहाँ पर तीसरे जगह पर चले गए बंगाल में, तो ये जीतने के लिए हिंदू मियाँ करता है, उसके अलावा क्या काम है इसमें? सिर्फ जीतने के लिए। यदि लालू यादव गलत किया होंगे तो कोर्ट को तय करने दीजिए। आप क्यों 9 साल के बाद पॉलिटिकल वेंडेटा बनाते हैं? जो गलत है गलत है, उस पर मेरा कुछ नहीं कहना। राम की घटना पर क्या बोले बिहार शरीफ पर, हमको आप बोलिएगा ना। एक तरफ रामनवमी, एक तरफ रमजान, इसमें बेनिफिट किसको है? ना राजपूत को, ना जाधव को, ना भूमिहार को, ना तेली को, ना सौ को, ना हिंदू को, ना मियाँ को। इस घटना से बेनिफिट किसको है? कोई घटना घटती है तो किसको बेनिफिट होता है? पॉलिटिकल पार्टी को। दंगा में सबसे ज्यादा घटना किसको हुआ? कौन सबसे ज्यादा किसको बेनिफिट होगा? बीजेपी को। ये प्रायोजित नहीं है। रामनवमी में या दीपावली में, ईद में, बकरीद में, या हनुमानगढ़ी में घटना से किसी व्यक्ति और समाज को फायदा है? नेता का बेटा बेटी मरता है? कोई बड़े लोगों का बेटा बेटी जला? आम आदमी मरते हैं तो आम आदमी को मार कर ये राजनीति करता है? सब हमाम में सब नंगे हैं, आम आदमी को बचाने की औकात इनकी नहीं है। जब कोई घटना घटती है गरीब की, हाँ तब इसकी औकात। कोई भी घटना जाति का हो या धर्म मजहब का, इसमें पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन इन्वॉल्व रहता है। खुद उन्होंने लटका के मारने की बात कही है, वो तय कर दिया। मुख्यमंत्री का ही क्षेत्र क्यों 80% मुसलमान ओबीसी जाधव कहाँ है? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, इस इलाके में एक पत्थर क्यों नहीं चलती? क्यों नहीं चली एक पत्थर? सासाराम और बिहार शरीफ ही क्यों? जहाँ जहाँ अमित शाह गए वहीं वहीं क्यों? उसको बोलिए ना इतनी घटना घटती अमित शाह आ जाए और सबकी मदद करे, तब पेट में दर्द, तब तो अदानी को मदद करेंगे, तब पूंजीपति को मदद करेंगे, तब आम आदमी की मदद कहाँ होगी? रोजगार के अलावे और गरीबी के बहस के अलावे दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में सूत्रों के हवाले के अनुसार आपकी पार्टी जो है बीजेपी से अलायंस करने जा रही है, क्या भैया? हमको तो कुछ समझ में नहीं आता, हमको मतलब है, आप हमको जरा बता दीजिए। हमको तो समझ में नहीं आता है सर, महागठबंधन आया पूर्णिया में, सबसे पहले कौन आया? अमित शाह। उसने गाली गलौज दिया, पप्पू यादव टारगेट पे थे। फिर महागठबंधन आया, हमको लेके गया, टारगेट पर कौन थे?
फिर नवाब के औलाद आ गए हैदराबाद से, ताजिर पर कौन थे, पप्पू यादव, इन लोगों के पेट का दर्द है, चिंता मत करिए, परिस्थितियां हीरो बनाती है, पब्लिक नहीं। वक्त आने दीजिए, बिना वक्त के इन लोगों को हम औकात बताते हैं। इन गठबंधन और नेताओं को इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि पप्पू यादव की ईमानदारी के सामने खड़े होने की औकात। ना हम दुनिया में किसी से डरते हैं, ना भगवान से, ना धरती पर किसी से। हमें जो करना है वो करके रहते हैं, जो कहना है कह के रहते हैं, और गलत को गलत ही कहते हैं, माफिया को मिटाने का प्रयास करते हैं। अपराधी माफिया, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, इसको आप याद रखिए। चाहे दुनिया का कोई ताकतवर आदमी हो, उससे कोई मतलब नहीं, मैं इस सब को कुछ नहीं समझता हूँ, बकवास बातें हैं। राजनीति में कुछ भी चीज़ें हमको बकस दीजिए। अब सहरसा में एम्स तो चाहिए, होना ही चाहिए, मैं चाहता हूँ कि सहरसा में एम्स हो। मैंने पूर्णिया के सभा में बनमनखी में स्पष्ट कहा कि पूर्णिया उपराजधानी और हाईकोर्ट का एक बेंच पूर्णिया में बनना चाहिए, और सहरसा में किसी कीमत पर एम्स का निर्माण, जब ज़मीन है तो सरकार को इस पर काम करना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि सहरसा में ज़मीन है, बिहार सरकार के पास यदि दरभंगा में ज़मीन नहीं है, एम्स रुकी हुई है, तो सहरसा में एम्स निश्चित रूप से बने, इसके लिए लगातार ये डिमांड उठ रही है। मैं कोशिश करूंगा कि सहरसा में एम्स बने।